उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाकर बुलडोजर की कार्रवाई की है। प्रशासन ने अवैध रूप से कब्जा किए व्यापारियों को पहले ही नोटिस जारी कर दुकानें हटाने को कहा था, जिसके लिए प्रशासन ने बकायदा मुनादी भी कराई थी और अतिक्रमण वाले सभी स्थानों पर लाल पेंट से चिन्हित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों की ओर से चिन्हित जगहों को खाली न करने पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और दुकानों को ध्वस्त कर कब्जा किए गए जगहों से अतिक्रमण को हटाया गया। तो तस्वीर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की, जहां पहले से ही दुकानदारों को नोटिस दे दिया गया था, लेकिन फिर भी दुकानदारों ने यहां से दुकान नहीं हटाई, जिसके बाद प्रशासन यहां बुलडोजर लेके पहुंचा और बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए यहां जितनी भी अवैध दुकानें थी उन्हें हटाया गया। तो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की, जहां देखिए किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से यहां व्यापारियों ने कब्जा कर रखा था और इससे पहले भी प्रशासन ने व्यापारी को नोटिस दे दिया था, लेकिन उन्होंने यहां से अपनी दुकानें नहीं हटाई। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का शपथ ग्रहण आज आईजीपी जुपिटर सभागार में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह करीब 11:30 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। 23 जून तक करानी होगी बोर्ड की पहली बैठक। तो नगर निकाय चुनावों के बाद आज सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। इसे लेकर 23 जून तक पहली बोर्ड की बैठक करानी होगी। तो बड़ा अपडेट, जहां नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह है आज आईजीपी जुपिटर सभागार में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुबह 11:30 बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। 23 जून तक बोर्ड की पहली बैठक भी करानी होगी। तो नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का शपथ ग्रहण आज आईजीपी जुपिटर सभागार में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन सुबह 11:30 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। अब से कुछ ही देर में 23 जून तक करानी होगी बोर्ड की पहली बैठक।